ग्रुप हो या सोलो ट्रेवलर, सबकी फर्स्ट चॉइस द होस्टल। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी तो ताजमहल के काफी नजदीक होने वाली है। और सबसे अच्छी बात मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ना टूरिस्ट की सबसे फर्स्ट चॉइस बनी हुई है, क्योंकि इस होटल में आपको सब कुछ मिलने वाला है। आपका डॉर्मेट्री हो गया, बेड हो गया और एंटरटेनमेंट के लिए रूफ टॉप हो गया, सारी चीजें। तो बिना किसी देरी के लेके चलते हैं आपको सीधा होटल के अंदर। तो अभी हम आ चुके हैं होस्टल के अंदर और ये भैया हैं हमारे साथ में, ये रिसेप्शन पर रहते हैं। और मैं थोड़ा सा इधर दिखा देता हूँ आपका, ये वेटिंग एरिया बना रखा है इन्होंने, काफ़ी ब्रांडिंग पे काफ़ी फोकस किया गया है द होस्टल वालों ने। कुछ इनके प्लोज वगैरह भी देख सकते हो, प्रॉपर सारा लोगोज वगैरह प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। और पहले मिल लेते हैं यहाँ पर रिसेप्शन पर, क्या नाम है सर का, बात करते हैं इनसे। हेलो हेलो, क्या नाम है सर आपका? माय नेम इज रमन यादव सर। तो हम रमन यादव जी के साथ पूरा होस्टल देखने वाले हैं, क्या क्या चीजें हैं इसमें, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहले लेके चलते हैं आपको। तो अभी हम यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर हैं और देखते हैं रूम नंबर 103, उसको देखेंगे क्या क्या चीजें हैं उसमें। हाँ ये यादव जी, तो ये रूम देख सकते हैं आप, काफी खूबसूरती से डिजाइन किया गया है, इसका इंटीरियर बड़ा ही प्यारा होने वाला है। और कुछ मैं बेड दिखा देता हूँ यहाँ पे, डबल बेड पे आप देख सकते हो काफी 10 इंच का ऑलमोस्ट काफी कंफर्टेबल मैट्रेस होने वाला है। ये मे बी स्प्रिंग वगैरह का यूज किया है, कैसे मैट्रेस है ये यादव जी? बहुत अच्छा है, जंपिंग वाला है, जंपिंग वाला है। ये स्प्रिंग वाले मैट्रेस है ना, राइट? यस राइट। ये सारी चीज देख सकते हो, काफी कंफर्टेबल फील होने वाला है आपको। कुछ ड्रेसिंग वगैरह के लिए यस, टॉवल भी है, सब कुछ है, वॉशरूम भी दिखा दो आप। मैं बिल्कुल दिखाऊंगा। और ये कुछ कॉफी कॉफी पाउच, मिल्क पाउच, चाय के पाउच, सब है, सारी चीजें हो जाती है, ये सब प्रोवाइड कराते हो। कुछ टीवी वगैरह भी देख सकते हो सेट टॉप बॉक्स के साथ, ये सारी फैसिलिटीज भी मिलती है। कुछ कवर्ड वगैरह हो जाता है आपका, स्टोरेज सामान वगैरह रखने के लिए, प्रॉपर टॉवल वगैरह सारी सुविधा मिलने वाली है आपको। एसी नॉन एसी बोथ टाइप के रूम होने वाले हैं, आप किसी भी सीजन में आ रहे हो सारी चीजें मिलने वाली। एक बार वॉशरूम पे भी नजर डलवा देते हैं हम आपको, काफी अच्छा वॉशरूम, काफी स्पेस होने वाला है वॉशरूम में भी, और वेस्टर्न सीट वगैरह यूज की गई है इन्होंने, तो ये काफी सही। तो भी इसमें पानी वानी का प्लान कैसा है यादव जी? ये आपका ये लिखा है, ये शावल है, ये टोटियां, ये हॉट, ये कोल्ड वाटर है, ये हॉट वाटर है। अच्छा, तो अपना इनबिल्ट है ये वाटर सिस्टम, शावल आता है। ओके ओके ओके, ये चलिए। तो ये सारी चीज देखते हैं और देखते हैं दूसरे रूम कैसे कैसे होने वाले हैं। अभी ये रूम दिखा दिया आपने हमने आपको, अभी हम फोर बेडरूम देखने वाले हैं किस तरह के होने वाले हैं उसमें सारी चीजें। ये रूम देख सकते हैं आप, काफी खूबसूरत इंटीरियर इसका भी होने वाला है। और इस रूम में अगर आपकी फैमिली बड़ी है, आप ट्रेवल कर रहे हो साथ में, ताजमहल घूमने आए हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। अगर आप पूरी फैमिली के साथ आ रहे हो, आप अपना कम से कम इसमें 5 से 6 लोग आराम से इसमें एडजस्ट हो सकते हैं। इतने कितने लोगों के अलाउ कर देते हो? फैमिली के लिए होता है डबल बेड, दोनों डबल बेड होते हैं, दोनों डबल बेड होते हैं। ठीक ठीक, जैसे फैमिली आती है ताजमहल देखने के लिए, बिल्कुल, या घूमने के लिए आगरा में, तो रूम लेती है, बुकिंग करती है, तो ये फैमिली का होता है, फैमिली के लिए हो जाता है। तो सारी चीजें यहाँ पे भी मिलने वाली है आपको, ऑलमोस्ट 32 इंच का यहाँ डिस्प्ले मिलने वाला है, टीवी वगैरह हो जाती है, सारी फैसिलिटी जो हमने अभी डिस्कस किया सब कुछ मिलने वाला है आपको। और मैं यहाँ पे कुछ देख पा रहा हूँ यहाँ पर, यादव जी ये अपना रेस्टोरेंट भी है, राइट? तो आप कुछ भी चीजें आपके लिए बाहर से वो ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको इन्हीं के रेस्टोरेंट में मिलने वाला है। अच्छा, एक और बात, वेज नॉन वेज दोनों चीजें अलाउड करते हैं, सब कुछ मिलता है। तो ये चाइनीज वगैरह हो गया, साउथ इंडियन हो गया वगैरह, सारी चीजें आपको किसी फास्ट फूड के शौकीन हो या डिनर वगैरह जो भी करना है, आप अपना यहाँ पर रेस्टोरेंट में एंजॉय कर सकते हो। एक बार वॉशरूम पे भी नजर डलवा देता हूँ कैसा होने वाला है इसका। ओके, तो ये वॉशरूम थोड़ा सा उससे बड़ा स्पेस होने वाला है, इसमें काफी डेप्थ में है इसकी, सेम वेस्टर्न इसमें सीट दी गई है, सारी चीजें इसमें भी होने वाली है, पूरा वाटर सिस्टम इसमें भी दिया गया है। तो ये भी सारी चीजें हैं, आप अपने बात को यहाँ भी एंजॉय कर सकते हो प्रॉपरली। तो और ये फैमिली के लिए जैसे मैंने बताया काफ़ी सूटेबल ऑप्शन होने वाला है, तो आप इसके लिए बुक कर सकते हो ये सारी चीज़ें भी। तो ये तो मैंने दिखा दी यहाँ पे फैमिली है उनके लिए, अब मैं सोलो ट्रैवलर की ऑप्शन दिखाने वाला हूँ, जो डॉर्मेट्री का ऑप्शन है कैसा होने वाला है उसके लिए लेके चलते हैं आपको। अभी फोर बेडरूम आपने देख ही लिया, अब मैं लेके चलता हूँ आपको डॉर्मेट्री के लिए, जो सोलो ट्रैवलर की फर्स्ट चॉइस होने वाली है। तो आप ये देख सकते हो काफी मतलब इसमें भी सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो यादव जी आप भी बताओ थोड़ा सा इसके बारे में क्या क्या है। बेड वाला है, जैसे कोई सिंगल बंदा आता है वो रहता है एक रात के लिए या टू नाइट के लिए बुकिंग करता है, तो ये मिलता है, तो ये सब लोग आप प्रोवाइड करते हैं आपको। मैट्रेस वगैरह भी ऑलमोस्ट सेम टाइप की होने वाली, काफी कंफर्टेबल भी है, आप देख सकते हो प्रॉपर डॉर्मेट्री सिस्टम होने वाले। कितने टाइप के कितने रूम होने वाले हैं इस तरह के? जैसे कि कोई फैमिली भी आती है, फोर्थ बंदे आते हैं तो वो मिल सकता है ये भी, और भी सिंगल में भी मिल सकता है, लेडीज भी ऐसा की वो सब मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये नीचे क्या मतलब ये लॉक होता है, सामान कोई भी आप
आप अपना सामान यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। yes. तो अपना प्रॉपर आप सबको अपना अपना लॉक प्रोवाइड कर yes, दिए और मैं कुछ देख पा रहा हूँ यहाँ पर, देख सकते हो आप एक अभी बंदा एक टूरिस्ट रुका भी हुआ है, तो वो मे भी बाहर गए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो काफ़ी मतलब बेहतर ऑप्शन है, अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये मिलने वाला है और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में भी होने वाला है, तो आप प्रॉपर इसको बुक कर सकते हो। पूरा रूम लेने की आपको जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें अपने यहाँ दो हॉस्टल में मिल सकती हैं आपको। अब चलते हैं, ये सारी चीज़ देख ली, अब चलते हैं एंटरटेनमेंट की तरफ, क्या क्या होने वाला है। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर रूफटॉप कैफे पे, यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे इंटीरियर इसका भी होने वाला है। प्रॉपर सिटिंग वगैरह देख लीजिए आप, प्रॉपर यहाँ पर बोर्ड की चेयर्स वगैरह दी गई हैं, काफ़ी अच्छा लगने वाला है। कुछ बाहर आप देख सकते हो लाइटिंग वगैरह इफेक्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं, अगर आप रात की भी कुछ क्लिप्स डाल दूंगा मैं, वो भी देख लीजिए। पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्या नाम है सर आपका? सर माई नेम तेसिंग। तेसिंग, तो तेसिंग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे यहाँ पे, मतलब कितने लोगों की यहाँ पे ऑलमोस्ट सिटिंग हो जाती है? 30-40 लोगों की सिटिंग हो जाती है सर। और किस तरह की पार्टीज वगैरह ऑर्गेनाइज करा देते हो आप लोग? बर्थडे पार्टी आपकी और बैडिंग हो जाती है। अच्छा, वो सारी चीज़ें भी हो जाती है। और मैं ये कुछ डीजे वगैरह की लाइट वगैरह देख पा रहा हूँ, तो क्या मतलब यहाँ पे प्रॉपर एंटरटेनमेंट की भी अरेंजमेंट रहता है? जी सर, यहाँ हमारा प्रोजेक्टर लगा हुआ है यहाँ। अच्छा, अपना ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। पर मैं इसका क्या यूज़ करते हो आप लोग यहाँ के लिए? सर इस पर मूवी वगैरह या IPL चालू होने वाला है, तो IPL भी चलता है यहाँ पे। तो भाई ये सारी चीज़ें देख पा रहे हो आप, अगर आप यहाँ पे रुकते हो, अगर जैसे कि IPL का सीजन भी स्टार्ट होने वाला है और अगर आप नाइट में कुछ मूवीज़ वगैरह प्लान करते हो, तो प्रॉपर आपको थिएटर जैसी फीलिंग आने वाली है। यहाँ पर सिटिंग अपना बैठिए और यहाँ पर पूरा टीवी अपना एंजॉय कीजिए। प्रोजेक्टर के साथ काफ़ी बड़ा इंच का डिस्प्ले देख पा रहे हो, ऑलमोस्ट 120 इंच का डिस्प्ले होने वाला है, तो प्रॉपर आपको मजा आने वाला है। अपना ड्रिंक, खाना, जो भी ब्रेकफास्ट है प्रॉपर यहाँ पर ऑर्डर कीजिए और अपना मजे करिए। और लेके चलता हूँ आपको और टॉप पर, क्या है वहाँ पर? यहाँ पर पूरा ताजमहल का व्यू दिखेगा आपको। अच्छा, यहाँ पर ताजमहल का व्यू देख पाते हैं हम जी, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो आप ये सारी चीजें यहाँ भी देख सकते हो, मतलब काफी मतलब ये भी अट्रैक्टिव लगेगा आपको। और सबसे अच्छा पॉइंट जो आपको यहाँ पे अलग फॉरेन टूरिस्ट की ज्यादा गैदरिंग रहती है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे इस होस्टल में, तो उन लोगों की काफी खास चॉइस बना हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा सामने से दिखा देता हूँ, बिल्कुल आपको सामने यहाँ ताजमहल देखने के लिए मिल जाएगा। अब थोड़ा सा हम रेस्टोरेंट के मेन्यू के बारे में जान लेते हैं, तो तेसिंग की किस टाइप का फूड प्रोवाइड कराते हैं सर? इसमें नॉन वेज रहेगा आपका और वेज खाना रहेगा आपको। अच्छा। स्पाइसी और नॉन स्पाइसी फंडर के हिसाब से रहेगा। अच्छा, फंडर के टेस्ट के हिसाब से भी रहता है। तो आप वेज या नॉन वेज दोनों के शौकीन हो, तो आप ये होटल आपके लिए बेस्ट चॉइस होने वाली है। तो चलिए, ये रहा हमारा यहाँ। और आपको चाइनीज स्टाइल भी मिलेगा। अच्छा, चाइनीज, साउथ इंडियन, ये सारी चीजें मिल जाती है। तो ये मतलब किसी भी फास्ट फूड के शौकीन हो या डिनर करना चाहते हो, ब्रेकफास्ट, सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे किस लोकेशन है, प्राइसिंग वगैरह के, नीचे रिसेप्शन पे बात करेंगे हम लोग फिर से यादव जी के साथ। चलो, तो अभी हम रिसेप्शन पे बैठे हुए हैं यहाँ पे नवल किशोर जी के साथ, जो जानेंगे यहाँ पर क्या क्या सारी चीजें प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर नवल किशोर जी, कौन सी लोकेशन में लगता है अपना हॉस्टल? जी, हमारा अमरलॉक कॉलोनी है, ताजमहल स्ट्रीट के पास, जानमा हॉस्पिटल के पास। अच्छा, और ये जो सामने में जो रेड रोड से आया था अभी, तो वो ताजमहल के लिए वो सीधा रोड जाता है, राइट? राइट। हाँ, तो ये आप ये लोकेशन जो मैं बता देता हूँ, ताजनगरी फेस वन होने वाली है। ताजमहल से ऑलमोस्ट कितनी डिस्टेंस होगी यहाँ पर? 500 मीटर की दूरी। 500 मीटर की, तो काफी मतलब जो ईस्ट गेट लगने वाला है ताजमहल का, तो वहाँ से ओनली 500 मीटर की डिस्टेंस होने वाली है। तो प्रॉपर मतलब ज्यादा भी दूर भी नहीं, आप वॉक करते हुए सीधे ताजमहल भी जा सकते हो मॉर्निंग में। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर होटल के रूम्स वगैरह की, तो कितने डॉर्मेटरी बेड होने वाले हैं? यहाँ डॉर्मेटरी बेड हमारे 30 इसके लगभग होने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट 30 यहाँ पर बेड होने वाले हैं। कुछ ग्रुप में भी आ रहे हो आप, सोलो ट्रैवलर भी हो, तो आपको प्रॉपर मतलब आपके लिए यहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट होने वाला है। और एक और बात, जैसे प्राइवेट रूम का क्या है अपना? प्राइवेट रूम वाले 12 होने वाले हैं, तो प्राइवेट रूम में उसमें भी अपने ये फैमिली रूम हो गया, डबल रूम, फोर बेड सारे इंक्लूडेड है, राइट? राइट। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें भी आपको ऑलमोस्ट 12 यहाँ पे 4 महले की ये पूरी प्रॉपर्टी है, तो इसमें काफ़ी। और सबसे टॉप पर आपका रूफटॉप कैफे बना हुआ है जहाँ पर आप प्रॉपर, तो अगर आप जैसे कि मैंने इंट्रो में यहाँ डिस्कशन किया था, मतलब फर्स्ट चॉइस होने वाली है ये, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह यहाँ पर आते हैं। और ये सारी चीज़ें देख पा रहे हो, आपको सभी तरह के, या सोलो ट्रैवलर हो या ग्रुप में आ रहे हो, आप बसेस के थ्रू आ रहे हो, कहीं भी कंपनी वगैरह का जो भी फैमिली ट्रिप होने वाला है, तो सबके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। और हॉस्टल की लोकेशन मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, और आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हो बुकिंग वगैरह के लिए और प्राइसिंग की इंक्वायरी के लिए। तो ये रहा आपसे, बड़ा ही मजा आया नवल किशोर जी बात करके। तो ये रहा हमारा हॉस्टल का अब तक का रिव्यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।